तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने गांव, आपको फिर से गाजीमा दादा जी से मिलाएंगे। तो अभी हम बसैठा पहुंच चुके हैं और पापा के बचपन के मित्र पापा से मिलने पहुंचे हैं। अभी हम लोग गांव जा रहे थे तो एक जगह बीच में रुके जिसके बारे में पापा बताएंगे। पापा के बचपन के दोस्त जो कि पापा से भी छोटे हैं लेकिन लगते पापा के चाचा हैं, तो हम लोग आए हैं अपने बाबा अपनी दादी से मिलने के लिए उनके घर पर, और बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब सबसे ज्यादा हिम्मत मुझे लग रहा है कि आप चारों में मेरे पास है जो मैं बोल रही हूँ। पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, सनी तू बोल आगे। तो बचपन के मित्र हैं, खेलते खेलते साथ थे लेकिन हमारे बाबा लगते हैं ये, तो मेरे को ये सुनकर ना बहुत बढ़िया लगा था। दोस्त कम चाचा है, दोस्त कम चाचा। गाँव में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छोटे होकर के भी वो बड़े हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। गाँव का कुछ ब्यूटी है ये, गाँव का कुछ ब्यूटी हुआ जो आप एज में तो छोटे हैं लेकिन रिश्ता ऐसा होता है कि उनका पद बड़ा होता है। और आदर्श और आयुष जो व्लॉग अगर देख रहे होंगे तो उनको हेलो, आपके घर पे हम लोग आके गए और वो भी हमारे चाचा लगेंगे। मिस किए हैं बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि उन लोगों का था कि हम फोटो खिंचाएंगे। चलो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। yes. तो हम पटना में थे, आज दरभंगा में कार्यक्रम था हमारा, तो हम अब जा रहे हैं दादी माँ बाबा से मिलने के लिए, और बीच में पापा के मित्र का घर पड़ा, पापा का बहुत मन था उनसे मिलने का तो हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर। तो अब चलते हैं गाँव दादी माँ बाबा से भेंट करने के लिए, उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम दरभंगा सर्किट हाउस, कार्यक्रम है दरभंगा में, और बाकी आप देखते रहिए व्लॉग में। और बहुत लोग ना दरभंगा के भी होंगे जो वहाँ पे मिलेंगे। yes. तो उन सब को ना ब्लॉग से दिखा देते हैं आपको। चलिए पहुंच गए अपने गांव, बस दो मिनट में। सब पहचान रहे पापा को, सब हेलो नमस्ते। हमारा वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। पूरा वेट करते हुए, और ये हमारे घर के सामने का मंदिर, यहाँ पे काली जब पूजा होता है ना बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। एकदम पुराना या ताजा हो गया। लास्ट टाइम जो मैं आया था तो मैं मम्मी को लेने के लिए दरभंगा चला गया, और वहाँ से जो वापस आया तो सिर्फ 5 मिनट घर पे रहा, उसके बाद निकल गया वापस, तो मैं गाँव पे रह ही नहीं पाया इतना देर। लेकिन इस बार बढ़िया से आधा एक घंटा से है और सब कुछ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे घर में अभी बाथरूम और किचन का काम चल रहा था, कुछ पापा नया बनवा रहे थे तो वो सब भी बन रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस। ये वाला पापा ने सीमेंट पूरा करा दिया, वहाँ से दीवार बनवा दिया बढ़िया, इधर एक बाथरूम बनाया और नीचे एक किचन बनाया, और अभी सब काम वाम चल रहा है तो उसका सारा सामान सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी चलते हैं नीचे, दादी माँ बाबा से बात करते हैं। बहुत मजा आ रहा है, मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे मन कर रहा है बस मैं बैठे रहूँ दादी माँ बाबा के पास। आपको पता है ये सीढ़ी है जो छत पर आती है, और यहाँ पर एक ऐसे दादी माँ ने बनवाया था, तो बचपन में मैं क्या करता था, मैं वहाँ से कूदता था नीचे और इधर से चढ़ता था फिर कूदता था। अभी तो फिट भी नहीं आऊँगा इसमें।
बजाता है अभी। अरे तभी इतना बढ़िया हो रहा है कि कितना गंदा लग रहा हूँ मैं। छी ये रहा गाड़ी झुका का है, गाड़ी झुकना नहीं चाहिए। अच्छा सीधी रहने चाहिए, उस पांव पे पूरा रखो। ओके ठीक है, फर्स्ट गियर करोगे। अच्छा फर्स्ट गियर यहाँ से धीरे धीरे क्लच छोड़ना होता है, एकदम धीरे धीरे, सिंपल से ऐसे। सिर्फ एक ही बार छोड़ोगे तो गाड़ी हुड़क के बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वॉशरूम बना है बढ़िया सा, और यहाँ पे किचन। क्या इतना मजा आया यहाँ पे। अभी हम चौक भी घूम के आए थे भैया के बाइक पे, एकदम मजा आ गया। और सब डन हुआ है कि अगली बार जब भी आएंगे टाइम लेके तो भैया बाइक सिखाएंगे मुझे अपनी बाइक पे। 110% हाँ, और आपकी बाइक का इंश्योरेंस करा के रखिएगा क्योंकि एकदम बहुत काम हो जाएगा। और हम लोग ना बड़ी मम्मी से ले जा रहे हैं अमूल, तो अमूल भी खाएंगे। आपने ब्लैक वाला देखा होगा कि ऑरेंज वाला, कब हो गए खत्म हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं, आप हैं अभी, आप बचा लेंगे हमें सब चीज से। गाइस गांव से सीधा पहुंचे हम दरभंगा सर्किट हाउस में, एकदम मस्त खाना पीना खाया क्योंकि दो तीन दिन से बाहर का खाना खा रहे थे ना। लेकिन अभी यहां पे भैया सब ने अपने हाथ से बनाया था चावल, आलू गोभी का सब्जी, पापड़, दाल, इतना मजा आ गया खा के। और अभी समय हो गया यहां से निकलने का। ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल अचानक से प्लान हुआ है, पर आज भी जो है ये विद्यापति पर्व समारोह है जो लोग मनाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें दीदी का कार्यक्रम। आज दीदी ने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी है और सनी भी तैयार है। मैं अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेके नहीं आया था, एक ऐसे ही नॉर्मल कुर्ता पजामा लेके आया था, तो अच्छा हुआ लेके आया था, यूज हो जाएगा ये। अरे धन्यवाद, देखते हो तो बराबर। थैंक यू मैथिली ठाकुर जी, पर जोरदार जोरदार। आओ मैथिली ठाकुर जी, उनका सर विशाल
और अयाची ठाकुर। ये यहाँ पे मेरा दोस्त बन गया है यहाँ पे डॉगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो अभी है हम दरभंगा सर्किट हाउस में, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर सा है और इसका पेंटिंग इतना सुंदर लग रहा है ना। तो अभी हम जा रहे हैं मामा के साथ नानी का, तो मामा जाएंगे बाइक पे, सनी भी जाएगा मामा के साथ ही। मिलते हैं सीधा नानी गाँव पे, बाय बाय। अपनी गाड़ी तैयार है, जल्दी चलते हैं। आज पटना से हमारी फ्लाइट है, 4:30 बजे की बोर्डिंग है, तो जल्दी से खाना पीना खा के निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम अपने मामा के घर आए थे ना, तो रिधि आपका साइकिल हम रख लेंगे अभी। ए यार कैसी बच्ची, ये ठीक है बोलिए, मतलब खुश है इस बात से? न्यू साइकिल आ जाएगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ये हाथ पैर काबू में नहीं अभी। अबे ओए चलो, क्या बात है, हम लोग जा रहे हैं अभी अपने नानी गांव। बाइक पे मैं तब बैठी थी जब मैं बहुत छोटी थी, मामा ही घुमाते थे हमें, पूरा गाँव गाँव घुमाते थे बाइक पे, उचैठ भगवती स्थान या फिर कहीं मिठाई खिलाने। अरे मामा बहुत संभल संभल के चला रहे ताकि मुझे डर ना लगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। तो हम नानी घर आए थे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, तो गांव के जो ग्राम देवता होते हैं उनका ये मंदिर है, लेकिन बहुत पुराना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पेड़ है 100-200 साल पुराना है। सब आशीर्वाद ले लो मुझसे, वीडियो बनाओ। देख रहे कितनी इज्जत है मेरी यहाँ पे, सब लोग बोले वीडियो बन दो। दरभंगा से निकल चुके हैं पटना के लिए, 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पे, 6:30 बजे की फ्लाइट है तो बोर्डिंग पहले होगी, तो बस टाइम से पहुंच जाएं अच्छे से एकदम। गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं 3 दिन के ट्रैवल के बाद। यस, अपना एक बैग तो आ चुका है, दूसरा बैग पता नहीं कब आएगा।